हे गाइस, दिस इज डीमन एंड वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। तो गाइस कैसे हो? तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके ऊपर कोई स्क्वाड रश कर देती है या फिर आपके साथ 1v4 का सिचुएशन हो जाता है तो इस सिचुएशन में आप कैसे क्लच कर सकते हो या फिर पूरा स्क्वाड वाइप कर सकते हो, तो वही मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो गाइज चलिए वीडियो शुरू करते। तो गाइज सबसे पहले आप ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंस जाते हो तो आप पैनिक हो जाते हो बहुत सारा, आपके हाथ कांपने लगते हैं, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो मैं बताऊँगा कि आप ऐसे सिचुएशन में कैसे सर्वाइव कर सकते हो और पूरा स्क्वाड को ख़त्म कर सकते हो। तो गाइज सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है आपके ईयरफोन्स, क्योंकि अगर आपके पास अच्छे ईयरफोन्स होंगे तो ये आप फुटस्टेप सुन सकते हो अच्छे से, मतलब एनिमी कहाँ पर है, किस जगह पर है, आपको अच्छे से सुनाई देगा। तो अगर आपके पास 100 या 50 वाले जो लोकल हेडफोन होते हैं अगर वो आपके पास होंगे ईयरफोन्स, तो आपको समझ नहीं आएगा और आपका खेल तब तक ख़त्म हो जाएगा। तो यही पहली बात है गाइस कि अगर आपके पास अच्छे हेडफोन है ईयरफोन से तो आपको साउंड क्लियर और बहुत ही अच्छे से सुनाई देगा। तो गाइस दूसरे पॉइंट में बता तो आपको कि आपको क्या करना है, तो दूसरा पॉइंट ये कि आपको टीपीपी लेना है। देखो अगर कोई भी स्क्वाड रश करता है तो वो डायरेक्ट घुसता है और आपको 2 मिनट में आपको ख़त्म कर देता है, तो आपको पहले टीपीपी लेनी कि वो कहाँ से आ रहे कैसे आ रहे। तो अगर वो समझो अगर स्क्वाड हाउस है और उन्होंने स्क्वाड हाउस पे रश कर दिया, मतलब आपका रश कर दिया, तो आप क्या करोगे, आप टीपीपी लोगे सबसे पहले। अगर वो स्टेयर से आ रहे तो मतलब वो नीचे नहीं और ऊपर आने की कोशिश कर रहे तो आप स्टेयर्स पे नेट डाल सकते हो। तो आपको यही करना है कि आपको टीपीपी लेनी है और अगर वो ऊपर आ गए तो आप जंप करके, नीचे 2 बंदे होंगे तो आप उनको पहले नॉक कर दोगे, तो आपके लिए वो मतलब एडवांटेज हो जाता है कि 2 पहले नॉक हो गए तो आप दूसरों दोनों को भी आराम से ख़त्म कर सकते हो। तो आपको टीपीपी लेनी है अच्छे से और आपको पैनिक नहीं होना है और आपको डायरेक्ट मतलब उन पर भी आपको डायरेक्ट रश नहीं करना है, आपको रुकना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि अगर आप मतलब ऐसे सिचुएशन में आ जाते तो आपको क्या करना है। तो गाइस तीसरा पॉइंट ये है कि आपके पास अगर समझो एक AR है या फिर दोनों AR है तो आप क्या करते हो कि आप किधर भी फायर करने लगते हो और आपकी सारे बुलेट मतलब मैगजीन खाली हो जाती है और सामने वाले बंदे आपको ख़त्म कर देते हो। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले देखना है कि बंदा किधर है, वो क्या कर मतलब टीपीपी ले रहा है या फिर वो डायरेक्ट रश कर रहा है, तो आपको वैसे ही उस पर फायर करना है। तो आपको सीधा मतलब एम लेना है उसके सिर पर और आपको मारना है। अगर आप प्रोन या क्राउच कर सकते हो तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि एम कहाँ पे लेना है। तो आप प्रोन या फिर क्राउच करके मारोगे तो आसानी से सामने वाले को मार सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। तो गाइज वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर याद से कर देना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।